राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अधब्याही लड़की की कहानी, यानी जिसका आधा विवाह हुआ हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा अपनी प्रजा को भी अपने बच्चे की तरह प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा का एक पुत्र था और मंत्री का जो पुत्र था उसकी और राजकुमार की दोस्ती थी। दोनों दोस्त कई बार नगर में घूमने के लिए निकल जाते थे। एक बार की बात है कि राजकुमार के मन में इच्छा हुई कि चलो अपने नगर में घूमकर आते हैं, और वह एक घोड़े पर बैठकर जो नगर की गली गली में घूमने निकल जाता है। तभी राजकुमार की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अपनी छत पर खड़ी हुई अपने पैरों तक लंबे घने रेशमी बेहद सुंदर काले बालों को सुखा रही थी। उस लड़की की सुंदरता को देखकर राजकुमार को शरारत सूझी और वह बोल पड़ा, छज्जे पर चढ़कर केस सुखावती, हे लड़की, इस नगरी का रास्ता कौन सा? लड़की को राजकुमार का यह व्यंग कसना अच्छा नहीं लगा और उसने क्रोध में उत्तर दिया, रस्ते चल, घोड़ा डिगा आगे को, तुझे क्या पड़ी है हमारी। और ऐसे कहकर जो वह लड़की छज्जे से जो बाल सुखा रही थी अपने घर के अंदर चली गई। राजकुमार वहीं पर खड़ा था। वो लड़की दोबारा से आई। राजकुमार भला इतना कहाँ सुनने वाला था। लड़की की बात सुनकर राजकुमार को गुस्सा आ गया और वह बोला, मेरे मन में आता है कि तुझे अदब्याही करके छोड़ दूँ। लड़की भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोली, मेरे मन में भी ऐसा आता है कि तेरा जाया कौधू दलवाए तुझसे, यानी कि जो तेरा पुत्र हो वो तुझसे दाल दलवाए, कौधू जो एक तरह की दाल होती है। अच्छा तो यह बात है। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से अपने राजमहल चला गया। लेकिन अब राजकुमार बड़ा परेशान, उठते बैठते सोते जागते बस हर पल उसके मन में यही विचार चलता रहता कि कैसे वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। अब राजकुमार दिन रात इन्हीं विचारों में खोया रहता। उसका हंसना खेलना बातें करना शिकार पर जाना खाना पीना जैसे सब मोहाल हो गया। राजकुमार अब अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकलता था। राजकुमार की यह हालत देखकर उसके पिता जो राजा थे उन्हें बड़ी चिंता हुई। राजा ने अपने पुत्र से पूछा कि पुत्र क्या बात है, ऐसा क्या हो गया है? परंतु राजकुमार ने कहा कि पिताश्री सब ठीक है। यह कहकर राजकुमार ने बात टाल दी, राजा को कोई बात नहीं बताई। धीरे धीरे कई दिन बीत गए पर राजकुमार का वही हाल था। अब राजा से अपने पुत्र की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। राजा ने जो उसे ध्यान आया कि राज्य का जो मंत्री है उसका बेटा राजकुमार का हम उम्र है और उसका दोस्त भी है। राजा ने सोचा कि जब वो उसका दोस्त है तो उसे अवश्य ही इस बारे में पता होगा। राजा ने तुरंत ही मंत्री के पुत्र को बुलाकर राजकुमार का सब हाल सुनाने के लिए कहा कि बताओ क्या कारण है जो राजकुमार की ऐसी हालत है। अब मंत्री के पुत्र ने राजा को तुरंत ही सारी बात बता दी कि राजकुमार को फलानी लड़की पसंद आ गई है जो कि नगर में किसी बड़े सेठ की पुत्री है, उसी के कारण राजकुमार की यह दशा है। सारा हाल जानने के बाद राजा ने राजकुमार को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम्हें जो कन्या पसंद है हम उसी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, परंतु अपने इस उदासी को अब त्याग दो। अपने पिता राजा की बात सुनते ही राजकुमार को तो जैसे मन की मुराद मिल गई, वह बहुत ही खुशी से झूमने लगा। राजा ने राजकुमार से उस नगर सेठ का पता पूछा और तुरंत ही अपना एक दूत भेजकर सेठ को संदेश भिजवाया कि राजा अपने पुत्र राजकुमार का विवाह उसकी कन्या से करना चाहते हैं।
नगर सेठ को भला अपनी कन्या के राज रानी बनने में क्या आपत्ति हो सकती थी। उसने राजी राजी अपनी पुत्री के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। राजा ने जल्दी ही राज पुरोहित जी से कहकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लिया और राजकुमार का विवाह नगर सेठ की कन्या के साथ तय हो गया। राजकुमार की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि राजकुमार तो अपनी जो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि उस लड़की को अधब्याही छोड़कर जाएगा, उसमें अपनी जो योजना बनाने लगा, क्योंकि अब तो राजकुमार का विवाह उस सेठ की कन्या से हो रहा था। वह सेठ की कन्या भी नहीं जानती थी कि जो लड़का उस दिन उससे यह बातें बोलकर गया है वह राजकुमार है। फिर भी राजकुमार की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर एक एक दिन करके वह दिन भी आ गया जब राजकुमार घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजा बारात लेकर बंधु बांधवों समेत नगर सेठ के घर की ओर जो गाजता घोड़ता चल पड़ा, यानी बैंड बाजों की धुन पर बराती नाचते गाते जा रहे थे। और उदय नगर सेठ के यहाँ भी पूरी तैयारी थी। सेठ जी की बड़ी सी हवेली थी जिसको फूलों और रोशनियों और तरह तरह के बंधनवारों से खूब अच्छे तरीके से सजाया गया था। सुंदर सा लगन मंडप बना था। नौकर चाकर दास दासियाँ विवाह की तैयारी में व्यस्त थे। मंगल गीत गाए जा रहे थे। दरवाजे पर बने गोखों में सहनाई वादक बैठे सहनाई बजा रहे थे। नगर सेठ और उसकी पुत्री का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तरह तरह के पकवानों की सुगंध से पूरी हवेली का कोना कोना महक रहा था। और फिर वह घड़ी भी आ गई जब बारात द्वार पर पहुंच गई। राजकुमार ने तोरण द्वार पर छड़ी लगाई। इसी के साथ ही कन्या को लेकर उसकी सखियां भी द्वार पर आ गईं और मंगलोच्चार के साथ दुल्हन को दूल्हे के गले में वरमाला पहना दी। परंतु वह दूल्हा वेश में राजकुमार को पहचान नहीं पाई। बारात का सेठ जी ने भव्य स्वागत किया। नगर सेठ और उसके परिजनों द्वारा किया गया स्वागत देखकर राजा भी प्रसन्न थे। राजा और उसके परिजनों का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। अब बारी आई आधी रात की वेला में पानी ग्रहण संस्कार की। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को पानी ग्रहण के लिए बुलवाया और दूल्हा दुल्हन आकर बैठ गए। पंडित जी ने हवन व मंत्रोच्चार आरंभ किया। अंत में फेरे पड़ने लगे। पहला फेरा संपन्न हुआ, फिर दूसरा फेरा भी पड़ गया और अब तीसरा फेरा पड़ने जा रहा था। इसके बाद जैसे ही पंडित जी ने दुल्हन को आगे आने के लिए कहा तो दूल्हा बने राजकुमार ने दुल्हन के कान में धीरे से फुसफुसाया, आधा ब्याह तो हो गया, मैं तो चला। और यह कहकर राजकुमार झट से अपने घोड़े पर जा बैठा और एड़ लगाई और यह जा और वह जा राजकुमार तो गया। किसी को अचानक हुई इस घटना से कुछ समझ नहीं आया। पूरी हवेली में कोहराम मच गया। स्त्रियां तो जोर जोर से रोए जा रही थीं। नगर सेठ ने राजा से बात की, किंतु राजा की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे भी घटित घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। सो राजा तो कोई उत्तर नहीं दे सके और ना ही इस समस्या का कोई समाधान निकला। और इस तरह बिना दुल्हन के ही जो बारात वापस अपने राजमहल लौट आई। राजा को भी इस तरह की घटना से दुख था कि राजकुमार ने यह क्या किया, लेकिन राजा भी शर्मिंदा था, क्या कर सकता था, इसलिए अपना सा मुँह लेकर अपने नगर लौट आए। अब राजकुमार तो विवाह को बीच में छोड़कर चला गया था। इस तरह राजकुमार ने तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया था जो उसने राजकुमारी से कही थी कि मेरा जी तो ऐसा करता है तुझे अधब्याही करके छोड़ दूँ, और उसने वह काम कर दिया। अब जो राजकुमार था वह अपने महल में नहीं गया था। और इधर नगर सेठ की जो लड़की थी उसकी ने भी जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बारे में हर पल सोचती रहती कि राजकुमार तो अपनी करनी कर गया, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करूँगी, यही सोच में पड़ी रहती। और धीरे धीरे दिन बीतने लगे।
कि किस प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगी। एक दिन उस लड़की के दिमाग में एक विचार आया कि उसके पिता की सराय में अनेक लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्यों ना मैं उस सराय का ध्यान रखने लगूं और वहीं रहकर कार्य करने लगूं, क्योंकि सराय में तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, कौन जाने राजकुमार से वहीं भेंट हो जाए और अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी मुझे मिल जाए। यही सब सोचकर वह सेठ की लड़की सराय में मैनेजर के पद पर काम करने लगी और वहीं रहने लगी कि क्यों ना हो एक ना एक दिन घूमता घामता राजकुमार उधर आ निकले। और हुआ भी ऐसा ही, एक दिन घूमता घामता राजकुमार उसी सराय में ठहरने के लिए आ गया। अब सेठ की लड़की ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया, परंतु राजकुमार कन्या को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसने अपना रूप बदला हुआ था। राजकुमार 2-4 दिन वहीं ठहरने के लिए आया था तो उस सेठ की लड़की ने उसे अपने रूप और मोह के जाल में फंसा लिया। इस तरह दोनों एक दिन दोनों प्रेम के वशीभूत होकर एक दूसरे के जो इतने करीब आ गए कि उन्होंने संबंध बना लिए। 2-4 दिन ठहर कर राजकुमार अपने रास्ते चला गया और वह कन्या भी अपने घर की राह पकड़ ली। अब तो हर थोड़े दिनों में राजकुमार को उस लड़की की याद आने लगी और वह उसी सराय में आता और उस कन्या को वहाँ पर ढूंढता, पर वह तो वहाँ थी ही नहीं तो उसे मिलती कहाँ से। खैर इसी तरह से राजकुमार आता और उदास मन से लौट जाता और इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए और राजकुमार नगर भर में उस लड़की को ढूंढता रहा, लेकिन वह उसे ना तो मिली और ना ही मिलनी थी। उधर उस सेठ की लड़की ने 9 महीने बाद एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, उसका पालन पोषण वह करने लगी। धीरे धीरे अब उसका पुत्र बड़ा होने लगा और सेठ की लड़की ने उसका नाम रख दिया ढाई छैल। ढाई छैल जब धीरे धीरे 5 बरस का हो गया तब वह अपने पिता के बारे में अपनी माता से पूछने लगा, परंतु अभी उसकी माता कुछ भी जवाब उसे नहीं देती थी। वह कुछ भी कहकर उस बालक को टाल देती थी, उसका ध्यान इधर उधर के खेलों में लगा देती थी, परंतु कब तक वह अपने पुत्र से उसके पिता के बारे में जो छुपा सकती थी। कुछ समय और बीता धीरे धीरे, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चलता है। अब सेठ की लड़की का पुत्र जवान हो गया। अब उस दुखियारी माँ ने सोचा कि मुझे अब अपने पुत्र को सब कुछ बता देना चाहिए। यही सोचकर उसने अपने पुत्र से शुरू से लेकर अंत तक की सभी बातें कह डाली कि कैसे उसके पिता ने उसके साथ आधा विवाह किया है और उसे छोड़कर चला गया था। जब उस लड़के ने अपनी माँ की पूरी कहानी सुनी तो उसने अपनी माँ का बदला उस राजकुमार से लेने की प्रतिज्ञा कर ली। अब वह समझ गया कि उसे क्या करना है। उसे अपनी माता के साथ हुए अन्याय के लिए बड़ा दुख होता है। वह अपनी माँ को वचन देता है कि हे माँ, वह राजकुमार से तुम्हारे साथ किए हुए अन्याय का बदला जरूर लेगा। और ढाई छैल यही निश्चय करके अपनी माता की आज्ञा लेकर निकल पड़ता है। कई दिनों तक वह नगर का भ्रमण करता है और अपने पिता राजकुमार, जो कि अब राजा बन चुका था, उसके विषय में सारी जानकारियाँ, उसके शौक, उसकी आदतें, उसके अंगरक्षक सबके बारे में आवश्यक जानकारियाँ जुटा लेता है और उसी सराय में आकर ठहरता है जहाँ कभी उसका पिता ठहरा था। राजा का प्रतिदिन का नियम था कि वह रात्रि के समय भेष बदलकर अपने राज्य और प्रजा का हाल जानने के लिए निकलता था। उस दिन भी राजा घोड़े पर सवार होकर निकला और देखता क्या है कि एक नवयुवक उसी के महल से माल चुरा कर भाग रहा है। राजा ने सिपाहियों को उसका पीछा करके उसे पकड़कर लाने को कहा। सिपाही पीछा करने लगे पर वह युवक उस सराय में घुस गया और बहुत ढूंढने पर भी उन सिपाहियों को नहीं मिला। वहीं पर एक औरत बैठी चक्की पर कुछ दल रही थी। सैनिकों ने उस औरत से पूछा
कि उसने यहाँ किसी को देखा है तो उस औरत ने मना कर दिया। अगले दिन नगर में स्थान स्थान पर दीवारों पर पोस्टर लगे हुए मिले जिन पर लिखा था, डेढ़ छैल की नगरी में ढाई छैल आयो है, ठगेगो पर ठगवाएगो ना। सारे नगर में यह बात जंगल की तरह फैल गई। सारे नगरवासी कहने लगे, अरे भाई ये डेढ़ छैल की नगरी में ढाई छैल आयो है, आखिर यू ढाई छैल है कौन जो सबे ठगेगो पर ठगवाएगो ना, यानी कि वह ठग है। अब सब में जो ढाई छैल के किस्से होने लगे, सब ढाई छैल के बारे में जानने को उत्सुक थे, लेकिन कोई भी उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता था। अब तो ढाई छैल की चर्चा होने लगी। राजा ने भी सुना तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ढाई छैल की तलाश में अपने सैनिक चारों दिशाओं में भेज दिए कि कैसे भी करके ढाई छैल को पकड़ कर लाओ। परंतु ढाई छैल तो ठहरा ढाई छैल ही, भला वह कहाँ सैनिकों की पकड़ में आने वाला था, हर बार चकमा देकर भाग जाता था। कई दिन बीत गए सैनिकों को इधर उधर दौड़ते हुए, पर ढाई छैल का पता नहीं लगा पाए। उसके बदले में कभी उन पर ईंटें बरसती, कभी पत्थर बरसते, तो कभी घड़ों भरे हुए पानी के उन पर उड़ेला जाता। पर बेचारे सैनिक क्या करते, सारे प्रयत्न करने के बाद भी वो ढाई छैल को पकड़ नहीं पाए। और अंत में राजा के पास जाकर सारे सैनिकों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। राजा ने सोचा, अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा आखिर यह ढाई छैल है कौन। और इस तरह अगले दिन राजा ढाई छैल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ सैनिक भी राजा के साथ थे। राजा ने नगर की गली गली और चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु उसे ढाई छैल नहीं मिलना था और ना ही मिला। इसी तरह एक रात राजा ढाई छैल को ढूंढता हुआ उसी सराय में जा पहुंचा और सैनिकों से कहा कि अब तुम जाओ, हम यहीं पर विश्राम करेंगे। सैनिक चले गए। आधी रात को राजा देखता है कि एक स्त्री चबूतरे पर बैठकर चक्की से कुछ दल रही थी। राजा ने पूछा उस स्त्री से कि हे देवी तुम कौन हो और इतनी रात गए तुम यह क्या कर रही हो। तब वह स्त्री बोली कि यह ढाई छैल का इलाका है यात्री, और यहाँ उसी की इच्छा के अनुरूप काम करना पड़ता है। वह जिसे जो काम करने को कहता है उस व्यक्ति को वह काम उसी समय करना पड़ता है। राजा उस स्त्री से पूछते हैं, अच्छा तो क्या तुम ढाई छैल को जानती हो। वह स्त्री कहने लगी, यह भी पूछने वाले आप होते कौन हैं। राजा बोला कि हम इस नगर के राजा हैं, बताओ क्या तुम उसे जानती हो। वह स्त्री बोली, जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ, और यह कौधू दलने का काम मुझे उसी ने सौंपा है। राजा बोला, तो क्या वह यहीं रहता है। तब वह स्त्री कहती है, जी महाराज। तब राजा कहता, उसे मेरे सामने अभी बुलाओ। तो वह स्त्री कहती है, महाराज वह तो मुझे यह काम सौंपकर अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है, यदि आप कहें तो मैं उसे बुलाकर अवश्य ला सकती हूँ। राजा कहता है, तो जाओ उसे बुलाकर लाओ, यह हमारा आदेश है। तब वह स्त्री कहती है, महाराज यह ढाई छैल का इलाका है और इसमें ढाई छैल का ही आदेश चलता है, पर फिर भी आप इस नगर के राजा हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसे बुला कर लाऊं, तो महाराज मैं इस भेष में तो बाहर नहीं जा सकती, और फिर काम छोड़कर जाने से मेरे काम का भी तो हर्ज होगा, तो मुझे दंड भरना होगा। राजा कहते हैं, तो फिर क्या करें। तब वह स्त्री कहती है, महाराज यदि आप मेरे स्थान पर मेरा कार्य मेरे ये कपड़े पहनकर कर लें तो मैं अभी आपके कपड़े पहनकर उसे बुला कर ले आऊँगी। राजा उस स्त्री की बात मान गया और स्त्री का भेष धारण करके जो उस चबूतरे पर कोंदू दलने लगा, और वह स्त्री राजा के कपड़े पहनकर जो वहाँ से जो ढाई छैल को बुलाने के लिए चल दी। स्त्री वह कोई और नहीं थी, वह तो स्त्री के रूप में जो ढाई छैल था। राजा के वस्त्र धारण करके वह तो घोड़े पर बैठकर जो चला गया।
और राजा वहाँ चबूतरे पर बैठकर उस औरत के कपड़े पहनकर जो दाल दलने लगा। ढाई छैल तो घोड़े पर बैठकर यह जा और वह जा, ना तो उसे आना था और ना ही वो आया, क्योंकि ढाई छैल जिसे ढूंढने जा रहा था वह तो खुद ही ढाई छैल था, तो उसे कौन सा वापस आना था। घोड़े पर चलते चलते जब ढाई छैल काफ़ी दूर निकल गया तो उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी में जाकर वहाँ देखा तो एक बूढ़ी अम्मा सूत कात रही थी। ढाई छैल ने कहा, अम्मा बड़े जोरों की प्यास लगी है, पानी पिला दोगी? तब वह बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा पिला तो दूंगी, पर तू यह बता कि तू कहाँ का है। ढाई छैल बोला, माई मैं तो लंका का हूँ। बूढ़ी माँ बोली, बेटा लंका किसकी है? ढाई छैल बोला, माई तू कहे तो जवानी सुनाऊँ और तू कहे तो करके दिखाऊँ। तब वह बुढ़िया माई बोली, बेटा जवानी तो मुझे जो सुना नहीं जाता, क्योंकि मैं मुझे ऊंचा सुनाई देता है, तू तो मुझे करके ही दिखा दे। ढाई छैल ने माई को चरखा खाट खटोला जो था और छोटा मोटा सारा सामान इकट्ठा करके और उसमें मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। अब बोला, देखो बूढ़ी माई लंका जलगी। अब बूढ़ी माई ने तो खूब गालियाँ दी ढाई छैल को, पर वह तो घोड़े पर बैठकर चल दिया। इधर राजा को कोंधू दलते हुए एक घंटा जो हो गया और रात बीत गई। वहाँ से चलकर ढाई छैल अपने घर पहुँचा और अपनी माँ के पास जाकर कहने लगा, माँ तो उस आज मैंने तेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ? तो ढाई छैल कहता है, माँ आज तेरी प्रतिज्ञा पूरी करके आ रहा हूँ, तू चाहे तो तुझे भी चल दिखा कर लाऊं। तब सेठ की बेटी ने कहा, इसका मतलब तू अपने पिता को? तभी उसने बीच में बात काट दी और वह कहने लगी, अरे यह तूने क्या किया, चल अभी मुझे लेकर चल, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और फिर ढाई छैल अपनी माता को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर जो उसी सराय में पहुँचा जहाँ उस स्त्री के भेष में राजा डेढ़ छैल बना बैठा हुआ चक्की पर कोंदू दल रहा था। नगर सेठ की कन्या को सामने देखकर राजा थोड़ा अचकचा उठा और बोला, तुम? तब वह स्त्री कहने लगी, देखा महाराज मैंने आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। राजा बोला, मतलब? तब वह स्त्री कहती है कि यह आपका पुत्र ढाई छैल है। फिर वह स्त्री उसे पूरी बात बताती है कि जब राजकुमार आधे फेरे लेकर उसे अधब्याई छोड़कर चला जाता है तो कैसे वह भेष बदलकर इसी सराय में मैनेजर का पद संभालती है और राजकुमार के साथ जो उसे अपने मोहपास में बांधकर उसके पुत्र को जन्म देती है। अब राजा को सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। राजा ने सहर्षी अपने पुत्र को गले लगा लिया और उस स्त्री से भी क्षमा मांगते हुए उसे भी अपनी रानी स्वीकार कर लिया। राजा रानी और राजकुमार ढाई छैल अब एक साथ रथ पर बैठकर महल की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। महल में पहुंचकर राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया कि आज राजा की रानी और पुत्र महल में पधार रहे हैं। राजा ने जो रानी और राजकुमार का, क्योंकि जो ढाई छैल था अब वो तो राजकुमार था, उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया और राजा ढाई छैल की बुद्धि पर और उसकी होशियारी पर बहुत प्रसन्न था और राजा ने ढाई छैल को नगर का युवराज घोषित कर दिया। अब उनके दिन बड़े सुख चैन से बीतने लगे। राजकुमार ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी ही की, लेकिन नगर की सेठ की बेटी भी कम नहीं थी, उसने भी अपना बदला लेकर दिखाया। इसलिए औरत को कम आंकने की कोशिश ना करें। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।